मेरे बहुत ही प्रिय साथियों, हृदय की गहराइयों से अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। साथियों, कई बार रिश्तों में उलझन इस कदर बढ़ जाती है, कारण विशेष कुछ होता नहीं पर ईगो या हमारा अहंकार वो बीच में आड़े आ जाता है, वो हमें रोकता है बार बार कि मैं क्यों पहल करूं बातचीत करने की। यदि रिश्ता बिगड़ गया है तो उसको सुलझाने की यदि थोड़ी सी भी चिंगारी यदि है, तब फिर ये आज का एपिसोड केवल आपके ही लिए है। साथियों, इस प्रकार के बहुत से प्रकरण होते रहते हैं और आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। और बहुत ही विलक्षण और आज के एपिसोड का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा या सबसे खास बात यदि मैं कहूं तो वो ये है कि इसका उपाय इतना आसान है कि सिर्फ वो मुहूर्त पर आधारित है, आपकी इच्छा शक्ति पर डिपेंड करता है। आपने पढ़ा है कि यदि तलाक की नौबत आ गई है या तलाक की बातचीत चल रही है या उसके प्रति कदम बढ़ा भी दिया गया है तो केवल एक मीटिंग, जी हाँ, मैं दोहरा रहा हूँ क्योंकि यदि मैं इसको कह रहा हूँ तो मेरा मतलब बिल्कुल स्पष्ट और सीधा है कि केवल ये एक मीटिंग आपके रिश्ते को बचा सकती है। अब ये कब और कैसे करनी है और कौन लोग इसको कर सकते हैं, इसी पर ये एपिसोड हमारा आधारित है। साथियों, इससे पहले एक बेहद ज़रूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के कमेंट का उत्तर देते हैं और ये कमेंट हमें आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट पर प्राप्त होते हैं। यहाँ पर दो चीज़ें ध्यान रखना है। एक तो अपना प्रश्न पूछने से पहले हैशटैग आचार्य चंद्रकांत इस शब्द का प्रयोग ज़रूर करें और साथ ही इसी एपिसोड के अंत में जो हम आपसे प्रश्न पूछेंगे जो कि आज के एपिसोड पर ही आधारित होगा उसका उत्तर दें और उसके बाद में ही आप अपना प्रश्न पूछें। जिस कमेंट में ये दोनों चीज़ें होगी केवल उन्हीं कमेंट को हम शामिल करेंगे। तो साथियों, बात मुद्दे की करते हैं, थोड़ा सा इसके गणित को समझ लेते हैं, बहुत ज़्यादा कोई ज्योतिषीय गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है। शुभ और अशुभ दो प्रकार के ग्रह होते हैं। शुभ ग्रहों की यदि बात करें तो गुरु और शुक्र जो है वो प्रबल शुभ ग्रह माने गए हैं और पाप ग्रह जो हैं वो सूर्य, मंगल, राहु, केतु और शनि को माना गया है। साथियों, अभी 17 फरवरी को बुध वक्री हुए हैं, कुंभ राशि में वो आए हैं और होली तक वो वक्री ही रहेंगे, उसके बाद में मार्गी हो जाएंगे। बुध जो है वो वाणी का कारक है, जो बातचीत है उसी का कारक है, वो तर्क शक्ति का कारक है, वो समझाइश का कारक है, वो निर्णय लेने की शक्ति का कारक है। और हम देखते हैं कि जब भी पति पत्नी के रिश्ते में तनाव आता है तो वाणी ही उसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार होती है। कहीं शब्द जो चुभ जाते हैं सामने वाले व्यक्ति को, वो परिस्थितियों को खराब कर देते हैं और फिर अनिर्णय की स्थिति पर लेकर के आ जाते हैं। कई बार दोनों में से कोई एक जो है वो भावनात्मक रूप से बिल्कुल सही होता है पर उसका बुध कमज़ोर है या सही स्थिति में नहीं बैठा है, तो वो सही होते हुए भी अपने जीवन साथी को या अन्य लोगों को अपनी बात तार्किक रूप से समझा ही नहीं पाता और अंततः उसको उस रिश्ते को तोड़ना पड़ता है। साथियों, बिल्कुल स्पष्ट रूप से मैं आपको ये बतला दूं कि यदि आपके पति पत्नी के रिश्ते में मनमुटाव चल रहा है और सेपरेशन की नौबत आ गई है तब आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले आपको अपनी जन्म कुंडली में दृष्टिपात करना है। किन लोगों के लिए ये उपाय है, किसके लिए नहीं है, वो मैं ये स्पष्ट कर दूं। आप जन्म कुंडली में देखिए, बहुत आसान है, जो आपकी लग्न कुंडली है अगर उसमें बुध देव अकेले बैठे हुए हैं, जो कि बहुत कम होता है कुंडली में, या फिर किसी शुभ ग्रह के साथ में है अर्थात गुरु या शुक्र के साथ में है और कोई ग्रह यदि साथ में नहीं है, पहली स्थिति, तब आप इस प्रयोग को कर सकते हैं क्योंकि बुध अच्छी स्थिति में। यदि आपका जो बुध है वो किसी पाप ग्रह के साथ में है, सूर्य, मंगल, राहु, केतु या शनि, तब आपको ये प्रयोग नहीं करना है। सावधानी जरूर आप एक बरत सकते हैं। यदि आपका जो बुध है वो
एक उसके साथ में पाप ग्रह है और एक शुभ ग्रह है। तो यदि शुभ ग्रह की डिग्री ज्यादा हो तब आप ये प्रयोग करें, और यदि पाप ग्रह की डिग्री उसके साथ बैठे हुए की ज्यादा है तब आपको ये प्रयोग नहीं करना चाहिए। करना क्या है साथियों, 17 फरवरी से लेकर के जब तक वक्री रहेंगे बुध होली तक, इसके बीच में तीन अवसर आपको मिलेंगे, तीन बुधवार मिलेंगे आपको, 19 फरवरी को, 26 फरवरी को और 4 मार्च को। इन तीनों में से किसी भी एक बुधवार को आप चयन कर सकते हैं, और आपकी आपसी बातचीत यदि बंद हो गई है तब आप उस मीटिंग के लिए इस बुधवार का चयन करें और अपनी बात कहें। सामने वाला कन्विंस जरूर होगा। मन मुटाव यदि हो गया है और लंबे समय से आप इंतजार कर रहे हैं, हो सकता है कि आपने समय पर ही बात छोड़ दी हो कि समय अपने आप इसको ठीक करेगा, तो ये सही वक्त आ गया है। अब इंतजार करने की जरूरत नहीं है। अब आप इस चीज का इंतजार मत करो कि सामने वाला क्यों नहीं अप्रोच करता। अपने ईगो को साइड में रखिए यदि आपको इस रिश्ते को बचाना है तो, और ईगो केवल आपका नुकसान करता है, आपका फायदा नहीं करता। कई बार लोग मेरे पास में आते हैं, वो बतलाते हैं कि मैं तो बातचीत करना चाहता हूँ पर, या बातचीत करना चाहती हूँ पर मैं इतनी कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि क्या पता मैं बातचीत करने जाऊँ और अधिक बात बिगड़ ना जाए, इस डर से बातचीत नहीं करते। तो ये अवसर आपके पास में है, इस अवसर को आप भुनाइए और इसका आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने का कार्य करिए। बुध जो है वो कम्युनिकेशन का कारक है, जो कम्युनिकेशन गैप आ गया है, जो गलत फहमियाँ आ गई है, वो इन दिनों में आप केवल इन तीनों में से किसी एक का चयन करके मीटिंग के लिए बैठिए। कहीं पर भी आप बैठ सकते हैं, फ़ोन पर भी आप बातचीत कर सकते हैं, शुरुआत कहीं से भी हो सकती है। इन दिनों में सिक्स्थ सेंस भी आपकी ज़बरदस्त काम करेगी। सिक्स्थ सेंस आपका साथ देगी तो फिर आपको क्या चाहिए, एक प्रकार से ईश्वर का आपको आशीर्वाद यहाँ पर मिल रहा है, तो आप इसका लाभ अवश्य उठाइए और इस केवल एक मीटिंग से ही आप रिश्ते को पुनर्जीवित कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है, मेरा कार्य था इस अमूल्य जानकारी को आप तक पहुँचाना। साथियों अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है रिंकल बैन वाघेला जी का, वासन गुजरात से इन्होंने लिखा है, और इन्होंने पूछा है कि विवाह कब होगा इनका। आपके विवाह में अभी बहुत ज़्यादा विलंब की गुंजाइश नज़र आ रही है, क्योंकि जून 2022 तक कोई यहाँ पर उपाय जो है वो उपाय के स्थान पर यदि मैं कहूँ तो कोई योग नहीं बैठ रहा है। और यदि आप इससे पहले विवाह करना चाहते हैं तो आपको नियमित रूप से प्रत्येक शनिवार को संध्या काल में शनि कवच का पाठ अवश्य करना है। जो डिले हो रहा है वो डिले बहुत ही मिनिमम हो जाएगा और एक सुखद दाम्पत्य जीवन में आप प्रवेश करेंगे। तो साथियों ये था हमारा आज का आर्य सत्य। अब आज का प्रश्न जिसका कि उत्तर आपको देना है, आज का प्रश्न ये है कि कौन सी तीन तिथियाँ हैं, कौन सी तीन डेट, तीन तारीखें जो मैंने बतलाई है वो कौन कौन सी हैं जिस दिन आप ये एक महत्वपूर्ण चमत्कारिक मीटिंग कर सकते हैं। तो साथियों आप सभी स्वस्थ समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मन मुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।